तो चलो बच्चों आज प्रयोग करते हैं। दो रद्दी बोतल ले लिए हैं, साफ है लेकिन, है ना, और दो बैलून लिए हैं। चलिए डिस्प्ले करते हैं। गुब्बारा को डाल दिए। अब चलो इसको दोनों में कंपटीशन कर रहे हैं ना, देखते हैं कौन गुब्बारा को फुलाता है। ठीक है, हाँ चलो जी, रेडी हो? एक दो तीन। इधर ध्यान से देखो सर, ये टोक रहा है। हाँ टोक रहा है, देखो किसका फूल रहा है। दोनों का फूल रहा है। हाँ अभिषेक तो बहुत जोरदार फुला रहा है ना, लेकिन इसका देखो, दिखाओ इधर। हाँ चलो फूक मारो, इसका तो फूल ही नहीं रहा है देखो। हाँ है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए देखो इतना बड़ा फुला दिया अभी से, लेकिन जोर लगाओ जोर लगाओ, सागर नहीं सक रहा देखो। अभिषेक जोरदार फूंक मार रहा है देखो, फुला दे रहा है ना। सागर का नहीं फूल रहा ना। तो देखो इसमें पूरा फूल रहा है और इसका नहीं फूल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है जबकि सेम बोतल है ना दोनों? जी। तो इसका कारण पता करना आप लोग, क्यों नहीं फूल रहा है ना? और कोई फुलाना चाहोगे इसको? नहीं नहीं, इसको धो के फुला के देखो, अभी ये फूंक मारा है तो धो के फुला के देखो। सर देखिए तो ये देखो ये फूल गया, ये फूल नहीं रहा है जबकि सेम वही वाला बोतल है ना। जी। अगर इसी को अभी सबको देंगे नहीं सकेगा इसको फुलाने, उसको फूंक मारा था। हाँ इसको जा तो धो धो के लाना जाता। जा धो धो ना, बाहर से धो दो। अच्छा उसमें से छेदा नहीं, इसमें छेदा है सर। इसमें छेदा है, देखिए कहाँ छेदा है, इसमें फूल रहा है। जी सर ये छेदा है। उसमें उसमें छेदा का क्या काम है? जी सर हवा कोई उसको दबाए रहो तो ढक के देखा, दबा रहा हूं तो नहीं फूलेगा। मान लो बोतल छेदा है, ढक के ज्यादा नहीं फूलेगा, तो छेदा का क्या काम है बताओ? जी सर बैलून हवा को धो के लाए। हाँ चलिए देखिए, सागर फुलाया था, इसको धो के लाए हैं और इसको अभिषेक को देते हैं। इसमें बहुत फूंक मार रहा है देखो। ला चलो फूको, फूको चलो फुला, थोड़ा सा फूल रहा है, इसके जैसा नहीं फूल रहा है ना। क्या कारण है उसको पता करना आप लोग, ठीक है? छेदा हो रहा है, छेदा नहीं है।
नहीं है, हवा को छेदा है तो उसका क्या काम है बताओ। हवा को ढेकल के निकाल रहा है तब जाके और यहाँ छेदा नहीं है। इसका मतलब ये है ना कि हवा जो इधर, सुनो चलो बैठो बताता हूँ। हाँ, कौन वाला फूल रहा था? ये वाला ना, लाल वाला। ये जो लाल वाला जो बैलून है ये क्या है? फूल रहा था। कारण क्यों? क्योंकि इसमें छेदा है बोल रहे हैं ना, और इसमें छेदा नहीं है। तो छेदा नहीं है तो क्या हो रहा है? इसका हवा निकल जाएगा तो फूलेगा, और हवा को ढेकलता है पर तब जाके उसमें और हवा वहीं पे रह जाता है तो नहीं सकता है। तो इसका जो हवा निकल नहीं पा रहा है ना, इसीलिए इसका गुब्बारा जो है नहीं फूल रहा है। जी। तो इसका मतलब ये है कि हवा क्या है, वो रोकता है। जी। रोकता है माने अपना स्थान घेरता है और घुसने नहीं दूंगा बोलता है, बाहर का हवा को घुसने नहीं देता है। आ इसमें क्या है? छेदा है इधर। कहाँ पर छेदा है बोले ना, देखो खोजो। हाँ ये देखो, इसमें मैं छेदा कर दिया हूँ है ना। हाँ तो इसका क्या है, इधर से फूंक मारते हैं तो हवा को चलहट कहता है, भगा देता है, तो ये छेदा से निकल जाता है, इसलिए गुब्बारा फूल रहा है। आ इसमें तो भाग नहीं पाता है, रुक जाता है ना। हाँ तो हवा क्या है, स्थान घेरता है, इससे प्रयोग से सिद्ध होता है। ठीक है।